दोस्तों ये है माय मास्टर ज़ेडएटी का एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे हीरो को उसके दोस्त ने एक होटल में बुलाया था, क्योंकि एक टकला और एक सोंग शाओ नाम का आदमी उसके दोस्त पर इल्जाम लगा रहे थे। उसने एक बहुत ही ज्यादा कीमती फूलदान तोड़ दिया है जिसकी कीमत 2 लाख है, अब उसे ये पैसे देने पड़ेंगे। हमारा हीरो तभी वहां पर आ गया था एंड वो उस फूलदान के एक टुकड़े को उठाकर देखता है। अच्छा, तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती ब्लू एंड व्हाइट फूलदान है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो अपनी दिव्य नजरों की मदद से देखता है उस टूटे फूलदान की तरफ। वो सोच रहा होता है कि मैंने जो प्रैक्टिस की है उसकी वजह से सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि मेरे जो 5 सेंसेस हैं उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। और वैसे एक और बात बता दूं कि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक टॉप स्टूडेंट रहा हूँ और मैं सिर्फ एक नजर देखकर ही किसी भी चीज की क्वालिटी और उसकी एज का, यानी कि ये चीज कितने टाइम पहले बनी है, उसका अंदाजा लगा सकता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस टूटे हुए फूलदान के टुकड़े में से अजीब टाइप की पता नहीं क्या निकल रहा है। एंड हमारा हीरो सोच रहा है इस ग्लास के अंदर से, यानी कि इस टुकड़े के अंदर से एक अजीब टाइप के केमिकल की गंध आ रही है जो कि काफी अजीब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को गुस्सा आ रहा होता है, उसके हाथ में जो उस कीमती फूलदान का टुकड़ा था वो उसे चुकना चूर कर देता है। एंड अपने दोस्त को ऐसा देखकर जो उसका दोस्त ल्यूक चीक्वी है वो बोलता है, युन क्या हुआ? एंड अगले ही पल हम क्या देखते हैं दोस्तों, हमारा हीरो उस टकलू में कतई खतरनाक वाला पंच मार देता है, उसकी नाक मुंह में खून निकलने लगता है। सो ये सब देखकर जो वो टकलू है वो बोलता है, आखिर तुमने मुझे मारा है तो मारा कैसे, आखिर तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे कितने लोग हैं। एंड दूसरी तरफ जो शाओ सेंग है वो भी बोलता है, पहले तुमने इतना ज्यादा कीमती फूलदान तोड़ दिया एंड उसके बाद तुमने एक ऐसे आदमी को बुलाया जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सो हमारा हीरो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है एक और पंच मारने के लिए, बोल रहा है कि कीमती, हाँ अगर आज के बाद तुमने फिर से मेरे दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों गधों को इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हारी प्रजाति के लोग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, समझे। तो तभी अचानक उसका दोस्त पीछे से आता है, वो उसे रोकता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सो हमारा हीरो चिल्लाकर उसे बताता है, अबे ये जो एंटीक है ना, बहुत ही ज्यादा कीमती चीज, ये किसी गली के नुक्कड़ पर मिलने वाले चचा से लेकर आए हैं ये फूलदान। सो उसका दोस्त बोलता है कि क्या ये नकली है। एंड ये बात सुनकर जो वो टकलू एंड सोंग शाओ हैं वो घबरा जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसा कहने से क्या होता है, हाँ क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि ये सब नकली है, हाँ तुम बस यहाँ पर मजाक कर रहे हो। सो हमारे हीरो का जो दोस्त है वो बोलता है, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में क्या पता चला यून। सो दोस्तों हमारा हीरो कतई स्टाइल में एटीट्यूड के साथ बोलता है, मुझ जैसे टॉप हिस्ट्री कॉलेज के स्टूडेंट के लिए इस चीज का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ एक ही नजर में कि इस फूलदान में कितनी सारी कमियां हैं एक ट्रेजर बनने के लिए। और अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम दोनों यहाँ पर पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, हाँ तो पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगी और सब बता देगी कि सही क्या है। सो दोस्तों हमारे हीरो की बात सुनकर जो टकलू एंड वो आदमी है वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, बोलता है कि ठीक है बच्चे मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तुम्हारी नजरों के सामने आए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन तभी अचानक उस टकलू के सामने कोई पर्सन आ जाता है एंड हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे हीरो का दोस्त होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है, हाँ आखिर पुलिस वालों को बुलाने में इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो तुम दोनों, आखिर मैं तुम दोनों कमीनों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना घटिया स्कैम करने की कोशिश की, हाँ। एंड उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मुक्का मारी, यानी कि हमारा ही जो हीरो का दोस्त है वो उसे बहुत ज्यादा पीट रहा है इन दोनों को। भाई साहब आखिर कैसे वो हमारे हीरो के दोस्त से 2 लाख युआन पैसे मांग सकते हैं, हाँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट शायद से है कोई इसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे हीरो एंड उसके दोस्त को शायद से पार्टी करता हुआ देखते हैं। हमारे हीरो का दोस्त उससे बोलता है, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच यून, अगर तुम यहाँ पर आज यहाँ नहीं आते तो वो दोनों कमीने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे पैसे ऐंठ लेते। सो हमारा हीरो बोलता है, दोस्त मुझे आज भी वो दिन अच्छे तरीके से याद है कि तुम कितने हर्षो उल्लास के साथ आर्मी में गए थे एक बहुत ही ज्यादा महान कैप्टन बनने के लिए सिटी के, और तुम कितने ज्यादा अच्छे हो हर एक चीज में, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो उसका दोस्त बोलता है कि हमारे इस समाज में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आज के टाइम पर अगर तुम अच्छे से पैसे नहीं कमाओगे तो तुम एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारोगे, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ज्यादातर उनके लिए जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में पैदा हुए हों। अपने दोस्त की बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है, पैसे हैं क्या मैं उन दवाइयों को बना सकता हूँ। सो तभी हमारा हीरो उछलकर मतलब एक्साइटमेंट में बोलता है, तो मेरे प्यारे दोस्त
क्या तुम मेरी मदद करोगे एक बिजनेस एम्पायर बनाने में? हाँ, लेकिन अगले ही मोमेंट में हमारे दोस्त, मेरा मतलब हमारे हीरो का दोस्त, कुछ ऐसी हरकत कर देता है, मतलब सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि बिजनेस एम्पायर, भाई क्या बात है। सो हमारे हीरो का दोस्त फिर बोलता है, क्या तुम कोई फालतू की किताब तो नहीं पढ़ रहे हो जिसमें कोई तरीका लिखा हो जल्दी से जल्दी अमीर बनने का? हाँ, क्योंकि तुम अचानक से ही एक बिजनेस खड़ा करने के बारे में क्या बोल रहे हो? हाँ। सो हमारा हीरो अपने चेहरे का जो वो जूस है उसे साफ करते हुए बोलता है, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से खासा सीरियस होकर बोल रहा हूँ। हाँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ऐसी एक दवाई तैयार कर सकते हैं जो किसी की भी सुंदरता को और बड़ा ज्यादा बढ़ा देता है। बस मुझे उस दवाई को बनाने की सारी औषधियाँ चाहिए, और अगर हमने वो दवाई तैयार कर ली तो ये पूरी की पूरी चाइना की ब्यूटी इंडस्ट्री में एक तहलका मचा देगा। हमारे हीरो को इतना ज्यादा सीरियस देखकर उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे और बता सकते हो कि आखिर तुम अपने इस प्लान के बारे में क्या सोच रहे हो? तो हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा ये तो ये है, लेकिन तभी अचानक जो उसका फोन है वो रिंग रिंग करने लगता है। सो उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, दोस्त एक मिनट देना मुझे, जरा मुझे इस फोन कॉल का जवाब दे लूं। सो हमारा हीरो, हेलो, फोन में से आवाज आती, तुम फिर से अपनी उस मसाज टेक्निक का यूज मुझ पर कर सकते हो, और यहाँ पर मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं उस टेक्निक का यूज करवाने के लिए। सो हमारा हीरो बोलता है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि उसका दोस्त बड़े ही ध्यान से सुन रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये फोन किया है लियू लिंगलिंग ने, एंड वो उसे बोल रही है, अगर तुमने मेरी इस बार मदद नहीं की तो मैं पूरी दुनिया को ये बात चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुम एक गे हो। एंड दूसरी तरफ जो लिन हुआन है वो उसकी सारी बातें सुनकर हंस रही होती है। सो हमारा हीरो उसकी बातें सुनकर बोलता, ठीक है मैं तुम्हारी बहन की मदद करूंगा, लेकिन तुम पहले ये अफवाहें फैलाना बंद करो कि मैं गे, पहले तुम ये फोन लिन हुआन को दो, मैं उसे ये सब सिखा देता हूँ, सो वो तुम्हें खुद ही मसाज कर देगी। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपने उस दोस्त को सिखा चुका होता है कि मसाज कैसे की जाती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, भाई मैंने सबको संभाल, यार बड़ी दिक्कत है। एंड उसके बाद वो अपने फोन को रख देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लिन हुआन लिंगलिंग को मसाज करने लगती है, जिसकी वजह से लिंगलिंग काफी अजीब टाइप की आवाजें निकालने लगती है, तुम लोग खुद ही उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हो। एंड उसके फोन में से भी आवाजें आ रही होती हैं, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। एंड उसके बाद जो हमारे हीरो का दोस्त है वो हमारे हीरो पर कंधे पर अपना हाथ रख देता है, सहानुभूति टाइप का देता है उसे। सो हमारा हीरो बोलता है, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि तुम जैसा सोच रहे हो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हाँ। सो उसका दोस्त बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा अभी अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन होगी, और शायद से उसी टेंशन की वजह से तुम अपना टेस्ट बदलना चाहते होगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सो उसके बाद हमारा ये चिल्लाकर बोलता है कि भाई मैं कोई गे नहीं हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, और हमें अगले ही दिन एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, एंड हमें उसमें याओवेंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस पहाड़ पर हमारा हीरो आया होता है, ओ भाई कतई, मतलब कपड़े मपड़े बदल कर अपने पीछे एक बड़ा सा बैग टांग कर आया है हीरो। वो सोच रहा होता है कि कल रात उसने कितनी ज्यादा अफवाहें फैला दी मेरे बारे में, मैं उनको सबको समझाते थक गया। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है, उस ऐतिहासिक किताब के अनुसार जिसमें सुंदरता बढ़ाने का वो सीक्रेट लिखा हुआ है, एंड वो किताब मुझे मेरे मास्टर ने दी है, और उस यूथ रिटेंशन पिल को बनाने के लिए मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को लाना पड़ेगा जिसे लोग प्लांट टागो बुलाते हैं। हमारा हीरो चल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसके सामने आ जाता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि ये तो बुड्ढा है। वो बुड्ढा बोलता है, बच्चे क्या तुम भी यहाँ पर दवाइयां यानी कि औषधियां ढूंढने के लिए आए हो? उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, क्या आप मुझे उस डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर इस माउंटेन की जोंग शिकाओ जगह है? हमारे हीरो की बात सुनकर वो आदमी अपनी नाक में उंगली डालते हुए बोलता है कि मिडिल कारग्रास। हाँ। सो हमारा हीरो बोलता है कि जोंग चिकाओ। सो बुड्ढा फिर से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें कार में रात गुजारना चाहते हो? सो उसके बाद हमारा हीरो गुस्से में बोलता है कि जोंग चिकाओ। सो उसके बाद वो बुड्ढा भी थोड़ा घबरा जाता है। एंड उसके बाद वो बुड्ढा एक डायरेक्शन की तरफ अपनी उंगली करते हुए बोलता है, उस तरफ चलते जाओ, जब तुम उस तरफ 200 मीटर आगे जाओगे पूर्व में तो तुम्हें एक छोटी सी गली मिलेगी, उस गली में आगे चलते जाना, फिर उसके पीछे वाले पहाड़ पर जाना, उसके बाद तुम बाम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाओगे, फिर वहां से गुजरना, और उसके बाद तुम्हें वहां आसपास ही मिल जाएगा तुम्हारा जोंग शिकाओ। ओ भाई बुड्ढा मजाक कर रहा है, उसे सब कुछ पता था, क्या नाटक कर रहा था बुड्ढा। एंड उसके बाद हमारा हीरो वहां पर जाते हुए बोलता है कि थैंक यू अंकल। लेकिन ये बुड्ढा अपने मन में सोच रहा है, क्या ये किसी टाइप की कार में क्यों सोना चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हटाओ फालतू की बातों को। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी ज्यादा चल चुका होता है, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर लगातार 5 घंटों से चल रहा हूँ और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खूसट बुड्ढा साला चंपू मुझसे मजाक ना कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक उसे हमारे हीरो को झाड़ियों में से आवाज आती है कुछ, तो हमारे हीरो बोलता है कि आखिर वो क्या है। एंड भाई लोग हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा अजगर टाइप का सांप, किसी ये क्या है, नेवला।
उसको खाने ही वाला होता है। एंड दोस्तों पता है ये न्यूला क्या बोल रहा है? पीका 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 पीका। उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है, अबे ये क्या है, क्या ये सचमुच का कोई पोकेमोन है? हमारे हीरो को देखकर जो वो न्यूले टाइप का जानवर है वो बोलता है पीका। अबे ये कौन सा भारतीय मतलब पिकाचू आ गया भाई, ये है क्या, कौन से टाइप का नया टाइप का पिकाचू है? गालों पर भी वो लाल कलर का निशान, साला पिकाचू का न्यूला सादा लग रहा है मुझे। लेकिन हाँ, एपिसोड हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड दोस्तों तुम लोग अब तक इसके 5-5 एपिसोड देख चुके हो दोनों के दोनों सीरीज के, तो मुझे बताओ कि मुझे कौन सी सीरीज चालू रखनी चाहिए और कौन सी बंद कर देनी चाहिए। तुम लोग जिस भी सीरीज पर सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे मैं उसी को कंटिन्यू रखूंगा, ओके। और अगर हाँ इस चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कोई मिठाइयां नहीं खिलाने वाला इसके लिए, समझ गए? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।